हाउ टू आस्क बिग मनी. आप जो फीस आप जो चार्ज करते हो उसमें बहुत बड़ा लेवल पे ज़्यादा चार्जेस कैसे करना है. ज़्यादा मतलब जो नॉर्मल आपकी मार्केट चार्ज कर रहे हैं उससे 30 गुना 50 गुना कैसे चार्ज करना है. ठीक है, अभी कोई 1000 रुपया चार्ज करता है तो आपको 50000 रुपया कैसे चार्ज करना है. ठीक है, इसके बारे में आज बात करते हैं. अगर आप कोई भी चीज़ 50 गुना लेके दे नहीं पाते हो, आप दे नहीं सकते हो, मतलब आप कोई भी चीज़ 50 गुना लेके 50 गुना से आप ले नहीं पाते हो तो आप बेच भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो डर आपके अंदर रहेगा. ठीक है, नॉर्मली मैं जो कोशिश वगैरह करता हूँ सब 6 लाख 5 लाख 2.5 लाख 3 लाख ऐसा होता है, राइट. क्योंकि जब मैं उतना चार्जेस लेके मैं करता हूँ, मतलब उतना पैसा देके करता हूँ, मैं भी किसी को क्लाइंट्स को 1.5 लाख 2 लाख बोलता हूँ एक एक मेरा कंसल्टेंट्स का, क्योंकि मैं उससे यूज्ड हूँ. अगर मैं 6 लाख दे सकता हूँ तो मैं 2 लाख ले सकता हूँ. ओके, सो पहली चीज़ है, आपको अगर बड़ा आदमी बनना है, बड़ी तरह से बात करना है, तो आप कंजूस करी भिखारी जैसे कुछ ऐसा वैसा करके आप बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकते हो. आपको बड़ा आदमी बनने के लिए आपको बड़ा आदमी जैसे होना पड़ेगा. ओके, तो अगर आप जो पैसा आप लोगों से चार्ज करना चाहते हो तो उतना पैसा आप लोगों से आपको पहले पे करना आना चाहिए, मतलब आप उतना पे करना चाहिए, राइट. आप उसका अवका आप वो नहीं कर सकते हो तो उतना रुपया आप ले नहीं सकते हो. मैटर, पहला मैटर क्लियर. सेकेंड मैटर में हम लोग चलते हैं कि आपको बड़ा आदमी बनना है, उस तरह का चीज़ें करना है और फीस लेना है, तो पहली चीज़ आपको ये करना पड़ेगा, आप उस तरह से अपना लग्जरी लाइफ में आपको इन्वॉल्व करना है. जैसे कि जैसे आपको कोई लग्जरी चीज़ नॉर्मल होना चाहिए, राइट. कोई होटल में रुकना 15,000-20,000 एक दिन का, ओके, नो प्रॉब्लम. या 30,000-40,000, नो प्रॉब्लम. 1 लाख-1.5 लाख, नो प्रॉब्लम. इस तरह का अपना जो लेवल है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. जब लग्जरी है, वो लग्जरी को आप अपना नॉर्मल बनाते हो, देन इट इज़ फाइन. लोकल ट्रेन में ट्रेन करके करना है, आप समझते हो. इसके बाद मैं कभी लोकल में नहीं जाऊँगा, हमेशा मैं कैब बुक करके जाऊँगा या मेरा खुद का गाड़ी से जाऊँगा. आप अपने आप को लग्जरी लिस्ट में आपको कॉमन बनाते हो. ट्रेन में, अरे यार कैसे लोग ट्रेन में जाते हैं ना, उस तरह का अपने आप को आपको ये करना पड़ेगा, राइट. सो जस्ट अपने आप को एक लग्जरी में आप कर दो. और लग्जरी ये नहीं होना चाहिए आपको, लग्जरी आपका नॉर्मल है ना. जो चीज़ लोगों के लिए बाकी लोगों के लिए लग्जरी लगता है, आपके लिए नॉर्मल होना चाहिए. जब आप इस तरह का चीज़ें सोचते हो तो आपको अपने आपको ऐसा करना पड़ेगा, राइट. नंबर 2. नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि जनरली आप जो भी चार्ज करते हो उसको नॉर्मली बड़ा चार्ज करने के लिए कोशिश करो. जब मैं पहले ट्रेनिंग चार्ट करता था 1,000-2,000 रुपये में ऐसा कोई चार्ज होता था, 2,500 रुपया मुझे आज भी याद है, फ्यूचर ग्रुप ये सब चीज़ें 2,500 का ऐसा कुछ डेली था, राइट. तो आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल और मैं बोलता था कि ये रुपये में मुझे काम नहीं करना है. और उसके बाद कुछ दिन के बाद मुझे 6,000-8,000 का डेली का मिला. मुझे चेन्नई का एक ट्रेनिंग याम पाम पिम करते थे और वो भी मैं बोला कि नहीं, मैं 6,000-8,000 एक दिन के लिए मैं नहीं कर सकता हूँ, राइट. उसके बाद मेरा 15,000 का हुआ, फिर 25,000 का हुआ, नहीं कम्फर्टेबल नहीं है. तो मैंने थोड़ा अपना चार्जेस मैंने इंक्रीज करना चालू कर दिया. तो जब आप ये सब चीज़ करते हैं थोड़ा करके करना पड़ेगा, क्योंकि आप वापस वो लेवल पे आना ही नहीं चाहिए. एक आध बार ऐसा हुआ था मेरा, 2 दिन का उन्होंने बोला, मैंने बोला 25,000 चार्जेस हैं, बोला कि नहीं आप 45,000 ले लो, 5,000 कम कर लो. मैंने नो वे, मिनिमम 50 चाहिए, प्लस मेरा ट्रांसपोर्ट अलग से होना चाहिए 2 दिन के लिए ऐसा. तो जब ये सब चीज़ में आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. हाँ, उसके लिए आप अपने आप को मार्केट बना के रखना चाहिए, जिससे आप लोग आपके पास आए, मतलब एक ही दो आएगा, उसको भी आप ऐसा बोलोगे तो आएगा नहीं आपके पास, राइट. ये एक हो गया. सेकेंड होगा कि आप बात रेट जो बोलते हो तभी आपको कॉन्फिडेंट बोलना चाहिए कि जो आदमी अगर उसका 1,500-1,000 का रेट है और अचानक उसको 10,000 बोलने से पहले वो 4 बार सोचेगा. लेकिन आप ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको 10,000 बिंदास बोलना चाहिए, ठीक है. उसके लिए आपको मिरर में देख देख के आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. 10,000 मेरा चार्जेस है, ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए तो आपको ये चीज़ होगा, राइट. किसी को आप बोलने के टाइम आपके अंदर कुछ कमियाँ ऐसा नहीं होना चाहिए,
मस्त बेकार बोलना चाहिए, मतलब मस्त कॉन्फिडेंटली आपको बोलना चाहिए नंबर वन। उसके बाद देखते हैं कि कभी किसी को आप बोलते हो तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसे कि 10 आपका फीस कितना है, 1.5 लाख रुपया, चुप, 1.5 लाख रुपया है लेकिन उसमें मैं आपको 30% डिस्काउंट दूंगा, 40%, ऐसा नहीं होता। 1.5 लाख रुपया मतलब 1.5 लाख रुपया, खत्म, करना तो करो नहीं तो छोड़ दो, खत्म। तो ये वर्ड से बोलने के लिए आना चाहिए, उसके लिए आपको मार्केट में अपना नाम खड़ा करना चाहिए, तभी आप ये सब चीज़ कर सकते हो, राइट। मुझे आज भी याद है कि मेरा कुछ शेयर मार्केट का एक कंपनी का मीटिंग था, तो उन्होंने मुझे ट्रीडेंट में लेके गया इंटरव्यू के लिए जाने से पहले, लेकिन मुझे बाद में पता चला वो ट्रीडेंट में लॉबी में जाके बैठते हैं और वो ना कुछ परचेज करता है कुछ नहीं, जैसे विजिटर्स में जाके बैठते हैं। तो जो इंटरव्यू देने वाले आता है उसको लगता है अरे बाप रे यहाँ पे इन लोग इंटरव्यू लेते हैं, इनफैक्ट वहाँ पे कुछ पे नहीं करते हैं, चार्जेस कुछ नहीं है, ऐसा विजिटर जाते हैं वहाँ बैठ के बात करके वो लोग आ जाते हैं, राइट। ये मैंने चीज़ समझा, माई पॉइंट इज आप ऐसे किसी से, आपको पहले इस तरह से जो होटल्स हैं, इस तरह का स्टार होटल्स है वहाँ पे आपको बैठ के आप अपने आप को कम्फर्ट बनाओ कि आप लग्जरी में हो, राइट, दैट्स वन। एक बार आप वो लग्जरी में आके बैठ के हो गया, फिर वो वहाँ पे आप चाय पीना चालू करो, ठीक है, वो लग्जरी में स्टारबक्स जाने, राइट, 200 रुपये में चाय कॉफ़ी, 200 रुपया मिनिमम, राइट, बाकी 600-700 रुपया ऐसे बिल, ये सब बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अभी स्टार्टिंग करने के लिए आपको ये सब चीज़ करना पड़ेगा। तो अच्छा लगा तो वहाँ पे मील्स आप खाना खाना चालू कर दो, उसके बाद वहाँ पे मीटिंग लो, कस्टमर्स को आपको बुलाना, मीटिंग करना और ट्रेनिंग लेना वहाँ पे करो वो ऐसे होटल्स में, उसके बाद वहाँ पे स्टे करिए, ना ऐसा करते करते अपने आपको जो कम्फर्टेबल है तो आपको एकदम मेन चीज़ बनाना है वहाँ पे, राइट, एक चीज़। और लग्जरी में आपको हमेशा उलझे रहना चाहिए, लग्जरी इज़ अ नॉर्मल थिंग, ये बार बार बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताता हूँ। आपको रॉब रिपोर्ट करके एक मैगज़ीन है, आपको इस तरह का मैगज़ीन सब आपको पढ़ना है और तभी मालूम पड़ेगा कि पैसे ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रॉब रिपोर्ट में आपको छोटा मोटा कार का एड्स नहीं आता है, छोटा मोटा कार के बारे में बात नहीं करते हैं, जैसे कि BMW, जगुआर, ये अपना मर्क, ऐसा छोटा मोटा गाड़ी का उसमें एड्स आता नहीं है, उसमें पूरा बुगाडी, यू नो, उस तरह का कार का ही बारे में बात किया जाता है, 15 करोड़, 20 करोड़, यू नो, उस तरह का गाड़ीज के बारे में बात होता है। जब आप इस तरह का रीडिंग्स करते हैं आपको इतना करोड़ों रुपया कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले आपको मेंटालिटी में ये चीज़ लाना पड़ेगा कि मैं इतना बड़ा करोड़ ये सब चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको माइंड में हेड करना पड़ेगा, राइट, तभी आपका होगा। रेट बोलने के टाइम आपको डरना नहीं चाहिए, बिंदास बोलना चाहिए कि ये मेरा रेट है, फिर डिस्काउंट में एक लेगो तो आप एक फ्री, ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए, आज लेगो तो इतना फ्री, वो कल लेगो तो नथिंग, ये रेट है आपको जब करना करो नहीं तो छोड़ दो, आपकी मर्जी, राइट, दैट्स वन थिंग। हाँ, लेकिन सेल्स टैक्सिस में ये तो है कि स्कैसिटी और अर्जेंसी दिखाना बहुत जरूरी है, तभी क्लोजिंग होता है, तो उनको बोल दो जब करना है आप कर लो, ऐसा कर लो, क्योंकि जिसको करना है वो करेंगे, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लग्जरी सेलिंग, दैट्स वन। ओके, सेकेंड लास्ट मैं एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ, डू नॉट सेल टू पुअर। गरीबों को आप कुछ मत पूछो, गरीबों के साथ डील मत करो, चिंदी लोगों के साथ कभी डील मत करिएगा, राइट। इससे क्या होता है, आप अपना मेंटालिटी उस तरह का बना देते हो, मतलब मैं एक, मेरा कॉल्स बहुत ज़्यादा संचय होता है, बोलता है कि वो एक तो गरीबी है और गरीबी बोलेंगे, तो इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, जब उतना पैसा नहीं कर सकते हैं लेकिन पैसा बहुत चाहिए, लेकिन पैसा उसके लिए खर्चा करने वो नहीं करना है, ऐसे ही गरीब लोग कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं, ठीक है, या तो वो बड़े आदमी बनने के लिए जो ट्रस्ट करना है, जो एक्शन लेना है, रिस्क लेना है, वो सब लेंगे नहीं, लेकिन पैसा चाहिए, ऐसा कभी होता नहीं है। सो इस तरह के मेंटल लोगों के साथ कभी डील मत करिए, जो पैसा फेंकने के लिए तैयार नहीं है उनके साथ कभी डील नहीं करना है, राइट, क्योंकि वो बाकी वो सब प्रॉब्लम आगे भी करेंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी गरीब लोग से आप डील मत करो, हाँ अमीर लोगों से डील करो, अमीर लोग मतलब दिल से भी जो रिस्क लेना चाहते हैं उनसे बोल रहा हूँ, अमीर लोग ये भी होते हैं पैसा रखते 1 रुपया निकालते नहीं है वो अलग है, लेकिन अमीर लोग है जो दिल से अमीर, जो सिखाने के लिए तैयार हैं ज़िंदगी में अपने आप को आगे बढ़ने की तरह, उस तरह का लोगों के साथ आप डील करिएगा, आपकी जो प्रोडक्ट है उस तरह के लोग करिए जो वैल्यूबल है, ठीक है, एक हो गया। गरीब लोग के साथ कभी डील मत करिएगा तो आप भी गरीब बनोगे। हाँ, गरीब को अगर आप मदद करना चाहते हो, पैसा कमाओ
गरीब को दे दो या दूसरे किसी से उनको ट्रेडिंग करने बोलो, उनको कुछ सेल करना है, आप मत करिएगा, क्योंकि आपका वैल्यू बहुत कीमती है, ठीक है। वो एक आध दो जन के लिए आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। सो अगर ये सब चीज़ फॉलो करते हो, आप हमेशा अपना फीस बड़े लेवल पे कर सकते हो, और अपना फीस पूछने के लिए आप पूछ सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, राइट। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, और ये वीडियो के बारे में क्या लग रहा है आप नीचे कमेंट करिए, एंड मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, एंड आई विल कम बैक टू यू। ओके, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, अगर किसी को मेरा इस तरह का ट्रेनिंग चाहिए, और मैं अभी काफ़ी लोग से मेरा बात होता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और चार्टर्ड अकाउंट्स, बड़े बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो उनको खोखला बना देता है, और इतना होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं होता है, राइट। ये मैं हर एक की ज़िंदगी में उनकी जो तकलीफ है 3 घंटा 4 घंटा समझता हूँ, मैं बातें करता हूँ और समझ लेता हूँ, और कुछ कुछ चीज़ें कि ऐसे सिंपली वो सॉल्व कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं, राइट। या तो फिर करना नहीं चाहते हैं, करना चाहते हैं लेकिन फ्री में करना चाहते हैं, एक हो गया। सेकेंड, उनको उनको आइडिया ही नहीं है कि ये कोई इसको उनका प्रॉब्लम दूर कर सकता है, ये भी उनको आइडिया नहीं है। और कुछ लोग समझते हैं कि मैं सबसे सबका है, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कर लूँगा, इतना साल से तो कोई किया नहीं, अपना सोच से आगे भी अपना अपना सोच लगाते रहेंगे लेकिन कुछ आगे होगा ही नहीं, एंड ऑफ द डे उनका तकलीफ तकलीफ होगा, भगवान ही बचाए उनको, कोई बचा नहीं सकता है, राइट। सो अगर कहीं पर भी किसी को लगता है कि कई आपकी लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो गया हो, रिलेशनशिप में या फिर आपका फाइनेंशियल कंडीशंस में, आपकी बिजनेस में कंपटीटर के थ्रू, यू नो आप कभी खुश नहीं होते हो, आपके पास सब कुछ है फिर भी आप बहुत परेशान रहते हो, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये दुनिया की जो चक्कर में है, यू नो चार लोग क्या बोलेंगे, यू नो बिजनेस मेरा क्या है, ये सब सोचते सोचते अगर ये चीज़ में अटक गए हो तो आई कैन हेल्प यू, लेकिन यू हैव टू फिल माई सर्वे फॉर्म। आप एक बार सर्वे फॉर्म आपका हो गया, मैं अगर यू आर क्वालिफाइड, मैं समझता हूँ कि आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ, देन आई विल कॉल यू ऑन द नंबर, देन आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।